गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ड्राइंग क्लास एंड आई एम योर ड्राइंग टीचर। बेटा, आज का हमारा टॉपिक क्या है ड्राइंग में? वेजिटेबल्स। क्या है आज का हमारा टॉपिक? वेजिटेबल्स। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो था फ्रूट्स, ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स जो है आपके किस में है? शेडिंग में है, ठीक है। तो आपको जो वेजिटेबल्स ड्रॉ करके बताए जाएंगे वो आपको किस में बनाने हैं? शेडिंग में बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट टाइम फ्रूट्स के लिए अपनी ड्राइंग शीट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसी तरह से आपको वेजिटेबल्स के लिए भी अपनी शीट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ओके। तो 4 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि आपके जो फ्रूट्स थे वो भी आपको 4 ड्रॉ करने थे और आपके जो वेजिटेबल्स हैं वो भी आपको 4 ड्रॉ करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका जो वेजिटेबल रहेगा वो आपका क्या रहेगा? कैरेट। फर्स्ट क्या है आपका, सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है? कैरेट। उसके बाद आपको ड्रॉ करना है रेडिश। उसके बाद आपको ड्रॉ करना है टर्निप। उसके बाद आपको नेक्स्ट ड्रॉ करना है टमाटो, ओके। तो आपके आपको ये 4 वेजिटेबल्स ड्रॉ करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है क्या? कैरेट। तो कैरेट को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है? पहले आपको 1 बनाना है, ठीक है। 1 तो सभी बच्चों को आता होगा बनाना। तो सबसे पहले आपको 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद जो 1 का स्टार्टिंग पॉइंट है उससे आपको इस तरह से ये जो हमारी कर्व शेप है ये आपको ड्रॉ करनी है। कर्व शेप बनाने के बाद फिर इसको आपको 1 के एंड पॉइंट से मिला देना है। एंड पॉइंट से मिलाने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसके जो पत्ते होते हैं आपने देखा होगा ना, जो आपका कैरेट होती है उसके ऊपर पत्ते होते हैं, वो आपको ये बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपकी कैरेट बनकर रेडी हो चुकी है। अब क्या बनाना है बच्चों हमें? नेक्स्ट है हमारा रेडिश। रेडिश बनाने के लिए आपको क्या बनाना है? 2 बनाना है, ठीक है। 2 का जो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इस स्टार्टिंग पॉइंट को आपको किससे मिलाना है? 2 के ये वाला जो एंड पॉइंट है आपको इससे मिलाना है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। ये हमने 2 का स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट से मिला दिया है। तो आप देख रहे होंगे ये हमारी किसकी शेप आ चुकी है? रेडिश की। अब हमारा जो ये एक्स्ट्रा लाइन है इसको क्या करेंगे? हम इरेजर से इरेज कर देंगे, ठीक है। ये हमने इरेज कर दी। तो आप देख सकते हैं हमारी ये रेडिश की शेप आ चुकी है। अब क्या करेंगे हम? रेडिश के जो पत्ते होते हैं वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये रेडिश के पत्ते ड्रॉ हो चुके हैं, ये हमारी रेडिश भी ड्रॉ हो चुकी है। अब आता है हमारा थर्ड पर, क्या आता है हमारा? टर्निप। तो टर्निप के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको एक सीधा 5 बनाना है, ठीक है, और एक आपको बनाना है उल्टा 5, ठीक है, और दोनों को एंड पॉइंट पर इस तरह से आपको मिला देना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये शेप देनी है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट हो आपको वो इरेजर से इरेज कर देना है। अब ये हमारी क्या बन चुकी है? रेडिश ये हमारी बन चुकी है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? टमाटो। टमाटो को बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, बिकॉज जो हमारा टमाटो होता है वो किस शेप में होता है? सर्कल शेप में होता है। देन उसके बाद जो टमाटर के अंदर जो एक छोटे छोटे पत्ते से लगे होते हैं ना, डंडी सी जहां से निकलती है, आपको इस तरह के वो पत्ते बना देने हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो चुका है? ये हमारा टमाटो भी ड्रॉ हो चुका है। तो आपको देखिए कितने इजी तरीके से हमने ये 4 वेजिटेबल्स बनाने बताए हैं। फर्स्ट है आपका कैरेट, जो कि आपको किससे बनाना है? 1 से बनाना है। सेकंड है आपका रेडिश, जो कि आपको किससे बनाना है? 2 से बनाना है। पहले आपको 2 ड्रॉ करना है, देन उसके बाद आपको रेडिश की शेप देनी है। टर्निप के लिए आपको क्या ड्रॉ करना है? 5 ड्रॉ करना है। और टमाटो के लिए आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे जैसे आपको बताया गया है वीडियो के अंदर, इसी तरह से आपको अपनी जो ड्राइंग कॉपी है उस पर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। कोई भी बच्चा अपने एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाए, जिस तरह से आपको वीडियो में बताया गया है उसी तरह से आप ड्रॉ करें, ओके। सो आई होप बच्चों आप सभी को आज का ये ड्राइंग का टॉपिक वेजिटेबल किस तरह से आपको बनाने हैं
इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।